वेलकम टू कॉमेडी सर्कस और आज है हमारा ग्रैंड फिनाले। ग्रैंड फिनाले है, इसके बाद काम नहीं है बेटा, अब नाच ले। सुहेल भाई, जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है ना, जैसे ग्रैंड फिनाले, तो लोग शॉपिंग करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं। हमें पता कल से काम नहीं है, पुराने पहन के आ गए। मुझे पता है आज हमारे फिनाले को स्पेशल करने कौन आ रहा है। कौन आ रही, कौन आ रही? हमने स्पेशल तेरा ध्यान रखते हुए आज यहाँ पर उन्हें बुलाया है जो अपने गानों में बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, कार्टून वाली बातें भी करते हैं। सो प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली वेरी टैलेंटेड टोनी कक्कड़। और ये सच में एक बहुत ही प्यारा सरप्राइज है हमारे लिए कि आप आए। वैसे इससे भी बहुत बड़ा सरप्राइज है। क्या बात कर रहे हैं, सरप्राइज है, तैयार है आप लोग? चलिए आइए वहां पर बैठते हैं, देखते हैं, आइए। कैसा लग रहा है आपको? अरे भैया, जब बड़े लोग आए हैं तब बड़े लोगों को होस्ट करने दीजिए ना, है ना? वैसे भी टोनी जी और नेहा जी के नाम के हिसाब से छोटे को ही होस्ट करना चाहिए। सही बात है, वैसे यहाँ कोई बड़ा नहीं है बात करने के लिए। नहीं, बड़े में मैं, अर्चना जी और सुहेल सर, वही। थैंक यू फॉर इंक्लूडिंग अस। हेलो, तू बड़ा है? नहीं, मैं औकात की बात कर रही हूँ। तो चलिए दो सुपरस्टार का कीमती टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं कॉमेडी सर्कस का ग्रैंड फिनाले। अर्चना मैम, जब से हमारा शो शुरू हुआ है, फर्स्ट एपिसोड से लेके आज तक, मेरे ऊपर इन लोगों ने इतने पंच बोले, मतलब इतने पंच बोले सुहेल भाई, कि सिर्फ मेरे पंच की फुटेज काट दो ना, एक सीजन और बन जाएगा, पता है। इन लोगों ने मुझे इतना बदनाम कर दिया है, कल मैंने पार्किंग में गलत जगह गाड़ी पार्क कर दी, वहां का वॉचमैन मेरे को बोल रहा है, कहता हो भाई साहब बिना करियर के साइकिल जैसा मुंह लेके घूमने वाले आदमी, सही जगह पार्क करो। मैंने कहा यार तमीज से बात करो मेरे साथ, कहता वहां तू लोगों के नौकरों से भी पंच खा लेता है, हमें यहाँ तमीज सिखा रहा है। तो तू मेरे साथ जो जो भी कॉमेडी सर्कस में हुआ है और मेरी रियल लाइफ में, पैदा होने से लेके शो का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने तक और फिनाले आने तक, वो सब आपको दिखाने आ रहे हैं यहाँ पर अदिति, दिव्यांश और बलराज। Yes, ये हुआ कॉमेडी सर्कस का कॉन्ट्रैक्ट साइन। थैंक यू ऑप्टी, तुमने मेरी लाइफ बना दी। और लानत है ऐसी जिंदगी पे, कभी कार कभी कटोरा। पहला एपिसोड था जब मैंने पहला कैरेक्टर किया। हाँ मम्मी, कॉमेडी सर्कस कर रहा हूँ। सुहेल भाई ने मेरे को बोला, बलराज शेर शेर होता है, लेकिन इन दो बच्चों ने मेरे को कुत्ता बना के रखा। बेटा ड्रैग कर रही हूँ ना, बलराज की टीम से आई हूँ, जस्टिस देना तो बनता है ना। माना नहीं फूटा क्योंकि बलराज भैया ने दिया था। अपने हर एपिसोड में इतना वेरिएशन दिया। हेलो मम्मी, हेलो मम्मी, हेलो मम्मी, हेलो मम्मी, हेलो मम्मी, के जजेस सिर्फ मेरी और मेरी तारीफ करते। दिव्यांश, माइंड ब्लोइंग बोथ ऑफ यू। अदिति, दिव्यांश, आदित्य, दिव्यांश। गाड़ियों की तो कोई कमी नहीं थी अपुन के पास, लेकिन अपुन फिर भी जमीन से जुड़ा रहा। देवदास हो या अंडरटेकर, मैंने अपना पंजाबी फ्लेवर कभी नहीं छोड़ा। मम्मी कह रही बेटा कुछ भी करो अपनी औकात में रहना, इसलिए मैं पंजाबी में करूंगा सुहेल भाई। अंडरटेकर, ओ मैं तेरी लत तोड़ देनी, कितने है तू? परितोष ने मेरे नाक पे पंच मारे तो सिद्धार्थ ने मेरी आवाज पर पंच मारे। बच्चों को लाइन ना देने और सना को लाइन देने का इल्जाम भी झेला। 308 कैरेक्टर किए, लेकिन वेरिएशन सिर्फ एक। हेलो मम्मी। अरे बीच में से क्या सुना रहा है, शुरू से शुरू करना। तो देवी और सज्जनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि स्टैंड अप लंबा होने वाला है। बल्लू, मैनी कैरेक्टर्स नो वेरिएशन। हेलो मम्मी, मम्मी, हेलो मम्मी, हाँ अस्पताल में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ, ओके। अर्चना जी, ये हमारा खानदानी है,
जब फोन आया भी नहीं था ना, तब से हम हेलो मम्मी पे ही एंटर कर रहे हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे क्या हुआ है डॉक्टर, लड़का या लड़की? दोनों में से कुछ नहीं हुआ, पर राज हुआ है। एक और बुरी खबर है, हम बच्चे और माँ में से सिर्फ बच्चे को ही बचा पाए हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं, ओ, नहीं। अरे ये सब औरतें करती हैं। तो औरत का तो ऊपर वाला ले गया ना। नहीं 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 नहीं, ऊपर वाला नहीं, वो तो बच्चे की शक्ल देख के उठ के भाग गई है। ये मेरी बीवी है, कुरियर का ट्रक डिलीवरी देके निकल गई। मेरा बच्चा किधर है? बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, आई 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 तू डोल रे। हेलो मम्मी, मम्मी मैं पैदा हो गया। हाँ मम्मी, मम्मी ने यहाँ अक्कड़ भी आई है। मम्मी कह रही है पहले एपिसोड में भी आई थी ना, हाँ जी बिल्कुल, बीच में चली गई थी ना, उस दिन पूरा करती है आपको, आज नहीं बुलाते पता है। ठीक है मम्मी, ये छोटा बेबी किसका है? ये तुम्हारे पापा हैं। पापा एक बात बताओ, ए मम्मी 20 साल तक प्रेग्नेंट थी क्या, मैं इतना बड़ा कैसे पैदा हो गया? तो हुआ ये था, इतनी सफेद औरत, आपको पता है इतना सफेद रंग तो आदमी का रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी नहीं होता। ए बकवास बंद करो, बकवास। मैंने तुम्हें अपने हाथों से पैदा किया है। मैडम आपका पति गुस्सा नहीं करता, आप दूसरों के बच्चे पैदा करती हैं। बदतमीज, बदतमीज बालक तेरी, मेरा नाक तोड़ दिया। देखा ऐसे बदतमीज बच्चे को ऐसे समझाना पड़ता है। पापा नेहा के साथ ज्यादा फ्रैंक मत हो, आपसे बड़े फोन से सेल्फी लेती मत है। आपको एक और बात बताऊं? एक मिनट रहने दो प्लीज, अच्छी वाली बताऊं। आपको पता है पापा, आपसे बड़ी तो शो की एक्सटेंशन है जो मिलके भी नहीं मिली। और इस तरह शुरू हुआ बलराज का पहला स्टैंड अप। स्टैंड अप करने का उसको इतना बुरा चस्का लग गया था कि स्कूल में उसको खड़े होने की सजा तक नहीं देते थे। उस आदमी को बोलने की इतनी बुरी लत है कि अपने एक्ट के एंकर लिंक से लेके इस एक्ट के वॉइस ओवर तक मैं खुद ही दे रहा हूँ। आपको पता है हम नहीं किसी को बोलने देते, वो तो आप सलमान के भाई हो इसलिए आपके कमेंट सुन लेते हैं ना। आपके कमेंट भी हमने लिख के रखे हैं, बताए ये देखो खाली है। एक्चुअली मेरे को खराटे के स्पेलिंग नहीं आते ना, इसलिए मैं लिख नहीं पाया। अच्छा जी, जब मैं यहाँ पैदा हुआ था आप यहाँ बैठी थी ना, 10 साल बाद भी आप यहाँ बैठी हैं, आपको काम पे नहीं जाना होता? यही तो काम है, है? इस बात पे भी हंस रही, बताओ। चल भाई आपको पता है मेरा प्रिंसिपल मेरे को बड़ा मारता है, इससे पहले प्रिंसिपल आ जाए स्कूल का बैग खोल लेते हैं। गुड मॉर्निंग। खड़ा नहीं होना, बैठ जा, बैठ जा, चिपक जा वहीं पे। अर्चना जी अगर ये खड़ा हो गया तो स्टैंड अप चालू हो जाएगा। चलो ये बताओ 10 और 10 कितने होते हैं? 10 और 10 20 पंच। अब मैं आपको मैच में 20 पंच सुनाऊंगा। हिला नहीं, सब्जेक्ट चेंज। ओके ये बताओ तुम माय फादर पर ऐसे लिख कर रहे हो? आप सबने मेरा फादर देखा था पहले सीन में, आधी लाइन का फादर है उसके ऊपर ऐसे लिख कर रहे हैं। सर मेरे को माई फादर पे ऐसे नहीं आता, मैं माई फादर पे स्टैंड अप लिख के लाया हूं बोलूं। आपको बताएं मेरे पापा फादर के स्पेलिंग से भी छोटे हैं। अब मैं अपने पापा को खड़ा करके उनके ऊपर फादर लिखना शुरू करो, फाट पे खत्म हो जाते हैं। आपको बताएं मेरे पापा इतने छोटे हैं, हमको घर में ऐसे ऐसे करके चलना पड़ता है कि पापा नीचे दबके मर जाएं। आज सिर्फ ओवर करूंगा बेटा, स्टैचू स्टूचू नहीं करूंगा। ओवर कर, स्टैचू ओवर। अबे तेरी तो चल बैठ।
बैठ यहाँ पे। चलो अगला सवाल, ये बताओ हमारी मदर टंग क्या होती है? हमारे में नहीं होती, पापा ने मम्मी की जबान काट दी थी। भूख लगी है। अच्छा ये बता, सलाद खाएगा? नहीं कुछ और खाऊंगा। अच्छा सैंडविच खाएगा? नहीं कुछ और खाऊंगा। सुन सर ऐसे तेरी लाइनें खाऊंगा। ये दिव्यांश की एंट्री कट, ये दिव्यांश की चार लाइनें भी कट, ये अदिति की एंट्री कट। अच्छा जी मैंने आपको बताया था ना ये बंदा लाइन खाता है, आज आखिरी एपिसोड है, पागल हो गया, कुछ बोलना ही नहीं दे रहा। आपको पता मैंने इससे एक बार पूछा कि मुगल कौन है, इसने इतना लंबा स्टैंड अप किया, अकबर का मुझे फोन आया, कहता भाई थैंक यू, हमें खुद के बारे में इतना नहीं पता था। मैं चलता हूँ। अर्चना जी आज मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई हूँ, 6 साल के अफेयर के बाद आज फाइनली मेरी शादी होने जा रही है। कितना बुरा लगता है ना कि अपने 6 साल वाले बॉयफ्रेंड को छोड़ के किसी और से शादी कर रही हूँ। पर मेरे पापा ने मेरे लिए नया लड़का ढूंढा है और वो है ये। सोचा था कि मैं जब भी बहू बनूंगी ना तो मैं गैलेक्सी में जाऊंगी, पर क्या करूं शेरा ने मना कर दिया ना। अरे क्या, हाँ हाँ हाँ, शेरा ने सलमान से मिलवाने के लिए मना कर दिया। क्या यार आप लोग भी जहाज से छोड़ते आप वहीं से पकड़ लेते हैं यार। हेलो मम्मी, मम्मी मैं जवान हो गया। हेलो मम्मी, हेलो मम्मी, जब बात ही नहीं करनी थी तो फोन क्यों किया कुत्ते। मम्मी तमीज से बात करो, मैं तुम्हारा बेटा बोल रहा हूँ। अभी चल भी चल, बेरोजगार कहीं का। पूरे शो में हेलो तक नहीं बोली मेरी माँ ने, पता चल गया काम नहीं है, देख लो हाथ पे आ गई 1 मिनट में। क्या नू तुम्हारे पास 500 का छुट्टा है? नहीं है। गुल्लक जैसा मुंह लेके घूमती रहती हूँ, चिल्लर नहीं तुम्हारे पास? अरे यार इसको कोई बंद कराओ, बोलता कैसे आपको पता है। अर्चना जी एक दिन ना हम दोनों गाड़ी में बैठ के बातें कर रहे थे, पुलिस वाला आके हमें पकड़ लिया, कहता है कि गाड़ी में बैठ के ये बाइक कौन चला रहा है। सुहेल भाई कॉलेज स्कूल हॉस्पिटल गर्लफ्रेंड किसी ने मेरे को बोलने नहीं दिया आज तक, लेकिन मैं बुरा नहीं मानता, ये इसकी सूंड में क्या टंगा है, मेरे को इतना फर्क पड़ता है पता है, क्योंकि ये मेरी फैमिली है और फैमिली में भाई भाई को बोलते रहते हैं। सुहेल भाई आपको पता, भाई भाई को नहीं बोलेगा तो किसको बोलेगा, आपको भी सलमान भाई कुछ ना कुछ बोलते होंगे, यहाँ पर आके चुप करके बैठे रहते हो, उसको बोलते होंगे ना, नहीं तो आप खुद ही सोचो जिस आदमी के बगल में दुनिया की सबसे तेज बोलने वाली लाफिंग मशीन बिठाई हो वो हंसे नहीं। आपको पता है विश्वामित्र का ध्यान 2 लोगों ने भंग किया, एक मेन का दूसरा इनका लाफ्टर। हालांकि मैं ये बोल सकता था, मैंने कहा नहीं मेरी फैमिली, आप हमारे बड़े भाई जैसे, आप हमारी मम्मी जैसी हैं, आप भी बहू जैसी होती अगर आप। ये देखो हमारे भाई गौरव, हमारी फैमिली का सबसे छोटा भाई, ये वो भाई है जिसको चाहे कितने भी नए कपड़े दे दो इसने हमारे उतारे हुए पहनने। लेकिन एक सुहेल भाई एक बात है, टैलेंटेड बहुत है गौरव, इतना तो बच्चन साहब के नाम का इस्तेमाल अभिषेक ने नहीं किया जितना इसने किया है पता। ये देखो हमारी फैमिली के मामा जी, आपको पता है ये इतनी ज्यादा तेज बोलता है ना, ओए होए 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 होए, भाई इतनी तेज बोलते हो कहीं 20 साल का करियर 2 साल में खत्म मत करके बैठ जाना। ये मेरी फैमिली का सबसे बिगड़ा हुआ भाई, अपने आप खड़ा हो जा, सबसे बिगड़ा हुआ भाई मेरी फैमिली का, क्योंकि हर फैमिली में कुछ भी हो जाए एक भाई पागल होता ही होता है। मैं चाहूं तो ये सारी चीजें बोल सकता हूं पर मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये मेरी फैमिली है। तुम लोग सच में मेरी फैमिली है यार, तुम्हारा जो मन करता बोलो, क्योंकि मेरे को हाथी के सूंड में क्या है।
This act was lovely. Aditi, आपने इतना बढ़िया किया. दिव्यांश, आपने भी. बलराज, आपने. लेकिन बलराज, स्पेशली यू, जो आपकी जर्नी है ना, इट हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट जर्नीज दैट आई हैव एवर सीन ऑन कॉमेडी सर्कस. बिगनिंग टू द एंड. बलराज, कोई आके अपने करियर के फर्स्ट इनिंग्स में आके एक सेंचुरी मार लेता है, और आज हमारा फाइनल एपिसोड है. आज भी जो आपने किया, एंड में भी आके आपने सेंचुरी मार ली. एंड एज अ टीम यू गाइस आर सुपर. थैंक यू. बलराज, मैं देखती हूँ कि एक अच्छा इंसान होना, गुड ह्यूमन बीइंग होना और मेहनती होना. एंड आई थिंक आप बहुत मेहनती हो, बहुत टैलेंटेड हो. तो सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारी लड़कियाँ आपसे शादी करना चाहती हूँ. एंड अभी तक की जर्नी के लिए. अरे थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. मैंने सुना है कि करिश्मा फॉरेन निकल रही है. जैसा उसने परफॉर्म किया, उसको फॉरेन से भी निकाल देंगे, देखना. और मुबीन भैया, 2 रुपीस पीपल बने हैं. ओ, मतलब मुबीन आज मुबीन आ रहा है आज. और ये दोनों फंस गए हैं एक पागल की फ्लाइट में. और हमारे शो का पैक पागल तो आप लोगों को पता ही है कौन है. तो इन लोगों की फ्लाइट कहीं पार लग के लैंड होती है, यहाँ बीच में ही लटक जाते हैं. देखने के लिए बुलाते हैं स्टेज पर, प्लीज वेलकम मुबीन, करिश्मा एंड सिद्धार्थ. ओ रिश दिल में क्या रखा है तेरा ही दाग लिखा. ये राजू, मेरे को बम से पोटा लगता है. अगर कोई मरीज मरने की हालत में हो तो उसको बम बनना जरूरी है क्या? मैंने सुना जब आप जेल में गए थे तो आपने कपड़े नहीं पहने थे. हमने भी आपकी रागिनी एमएमएच देखी, हमने ये सवाल आपसे किया. चले क्या गंदा स्टेप करते हैं. ए, गंदा स्टेप नहीं होता, डांस स्टेप होता है. तेरे पे भरोसा, तू जो करेगी गंदा करेगी ना. तुम दोनों बकवास बंद करो, जिस काम के लिए वो करो. ऑल राइट. ये क्या कर रहे हो? वो लर्जे का नीच आदमी है तू. हाय सिद्धार्थ. घर ही घर में स्टार बने हुए, खुद ही जाए गए गाना बनाते, वो बना हिट. ये भाई बहनों का फायदा, तीनों सुपरस्टार है. वैसे घरों में सुपरस्टार होने का अपना मजा है. हाँ. चुहेल भाई. खैर आपको पता है, माई सेल्फ पायलट, चुन्नू पायलट. चुन्नू पायलट जी, मतलब मेरे जो फादर थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, और उनकी जिंदगी भर की कमाई है ये. मेरी माँ के पीछे जिंदगी भर पड़ा रहा, फिर रिजल्ट यही मिलेगा. वो आने वाला कोई पैसेंजर, हेलो, कोई है? आए सर. हाँ हाँ, मैं देशद्रोही हूँ. हाँ हाँ, मैं देशद्रोही हूँ. कैमरा इधर. हाँ हाँ, मैं देशद्रोही हूँ. आए सर. और बताइए, जंगल में सब कैसे हैं? टू रुपीज पीपल. आई एम द ग्रेटेस्ट. क्या बात है सर, आइए बैठिए सर. क्या लेंगे खाने में? क्या है खाने में? तो सर वैसे खाना है, आप कहें तो 3-4 थप्पड़ अरेंज कर सकता हूँ. कैसी है मैम? ठीक हूँ. क्या लेंगी? अरे बैठने तो दो मुझे. अच्छा ठीक है, बैठिए. क्या लेंगी, फ्लाइंग किस या देसी पपी? एक अनाउंसमेंट, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आज हमारी फ्लाइट में जो पायलट है वो ऑटो पायलट है, वो खुद प्लेन उड़ाते हैं. ऑटो पायलट रमेश के लिए जोरदार तालियां. ऑटो पायलट मतलब ऑटोमेटिक होता है. अरे रमेश पहले ऑटो चलाता था, अभी पायलट बना. लगता है बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है. वैसे ये फ्लाइट कहाँ जा रही है? अजीब आदमी अपने पंच मार के हंस रहा है. ये समंदर तक जाएगी फ्लाइट. समुंदर तक? हाँ, बाकी आगे आपके लिए कनेक्टिंग मगरमच्छ रखे, उससे आप आगे जाओ. हाँ तो सुनो. हाँ. मेरे लिए बिजनेस क्लास वाला मगरमच्छ लाना. क्योंकि इकोनॉमी वाले की पीठ बहुत गड़ती है. अबे ओ पागल, मगरमच्छ हम लोग को खा लेगा. कौन खा लेगा? मगरमच्छ. मगरमच्छ मगरमच्छ खा लेगा. मगरमच्छ खा लेगा. लगता है मगरमच्छ बिहार से है. मगरमच्छ.
अबे क्या कर रही है ये? पतंग क्यों फाड़ दी? जिससे बांध की फ्लाइट उड़ानी थी वो फाड़ दी इसने। उससे फ्लाइट उड़ाएगा? अबे तो गैस के गुब्बारे नहीं है मेरे पास। इतना घटिया प्लेन है ये। अरे इससे अच्छे प्लेन तो मेरे पास है, मेरे पास खुद के शिप भी है। अच्छा? एक बार मैं शिप चला रहा था, अचानक सामने ट्रेन आ गई। समंदर में ट्रेन कहाँ से आ गई? समंदर में ट्रेन कहाँ से आई? मैं पटरी पे शिप चला रहा था। शिप समझते हो ना? शिप जिससे ऊन बनता है। मैं आपकी बात समझ गया। एक सेकंड। हेलो 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 पायलट, फ्लाइट टेक ऑफ होती क्रैश कर देना, हमें कुर्बानी देनी होगी। देखो तुम दोनों प्लीज मुझे उतार दो, तुम दोनों के चक्कर में मेरी भी मौत हो जाएगी। अरे प्लीज। नहीं मजा वो। नहीं। आपको खरोच भी नहीं आएगी। कैसे? मैं क्रैश होने से पहले धक्का मारूंगा तेरे को। अच्छा सुनो जी ड्राइवर। हाँ? फ्लाइट के ड्राइवर। हाँ? फ्लाइट मुझे के ड्राइवर। बाथरूम जाना है। बाथरूम? बाथरूम के लिए व्यवस्था नहीं है। एक अनाउंसमेंट, हमारी फ्लाइट में अभी नई नई बनी है तो शौच सारे बंद कर रहे, सोच बंद करके इधर ही बैठे। आगे खेतों में फ्लाइट उतारी जाएगी, वहां जाए। कुछ खाने के लिए मिलेगा? खाने की व्यवस्था है मैडम, इंजन में आग लगेगी, मैं रोटियां उसी पे सेक के दूंगा। तो सुनो मैं घर से गुलाब जामुन लाया हूँ, वो भी मुझे गर्म करके दे देना। कोई टेंशन मत ली सर, अभी इंजन फटेगा ना आप खुद गुलाब जामुन बन के कोने में पड़े होंगे। चक्कर में मैं भी मर जाऊंगी और मेरी मूवी भी रिलीज नहीं हुई है यार। वाओ, सर्कस के बाद काम। देखो ना दीदी, कहीं काम हो तो दो ना दीदी। यार तुम दोनों बकवास बंद करो और प्लेन उड़ाओ प्लीज। मेरे को प्लेन उड़ाना आता ही नहीं है। तो फिर एक मिनट, नेहा जी आपने बड़ी अच्छी बात बोली, इसका मुंह देख के याद आ गया। क्या? इन्हें आके कहा मेरे को बहू मिल जाएगी हमारे घर को, इन्होंने कहा था मैं इंसान में सबसे अच्छी चीज देखती हूँ कि पहले वो इंसान अच्छा हो। हाँ। तू यही रिजेक्ट हो गया था, तेरे को पता है? ये क्या है? अबे ये फ्लाइट उड़ा रहा है। बस ये तो बम है। बम? इसी तरह मैं फ्लाइट पे कब्जा कर लेता हूँ। अर्चना जी को भी मैंने बस ऐसे ही करके दिलाई थी। अब उस बस के पैसे दे दो। हाँ। मुझे पता नहीं मिलने वाले, सीजन एंड है। चलो हाँ। कमेंट ही दे दो। Wow, what an act, what an act. I just loved it. करिश्मा, आप जब स्क्रीन पे आते हो तो काफी खूबसूरती भी करती है। अच्छा मुझे एक सेकंड। यहाँ मुझे बहू बनाने की बात हो रही थी, लगता है मुझे यहाँ से भाभी लेके जाना पड़ेगा। मुबीन भाई, यू आर अमेजिंग। जो सिद्धार्थ भाई हैं, वो वैसा टैलेंट हम आम जिंदगी में देखते नहीं है लोगों में, इतना इजीली ये रेयर है। और मुझे लगता है जैसा आप इस एक्ट में कैप्टन बने थे, आप सच में इस शो के कैप्टन हो। सो करिश्मा, जब आप मंच पर आती हैं, आपका आधा काम उधर ही हो गया होता है। मी बीइंग अ वुमन, आई एम सेइंग दिस, आई कैन इमेजिन कि आदमियों की क्या हालत होती होगी। यू आर गॉर्जियस एंड यू डिड अ फैबुलस जॉब। और अगर इन दो बदमाशों की जर्नी के बारे में बात की जाए, आई डोंट नो हु टू प्रेज मोर और शुरुआत कहाँ से करूँ। मैं ये कहना चाहूँगी, आज आपने ग्रैंड फिनाले के इस ग्रैंड एपिसोड में अपनी क्लास दिखा दी। वंस अगेन यू आर अ क्लास। मैंने और सिद्धार्थ ने बहुत काम किया हुआ है। फॉर मी यू हैव बिकम अ बिगर बेटर ग्रेटर पर्सन एंड एन एक्टर। थैंक यू सर। और ये जो हम देखते हैं आज, पता है जिसके पास खुद के पास साइकिल नहीं है वो आज कार चलानी सिखा रहा है। कौन? अभिलाष? नहीं नहीं भाई, उसको तो सब आता है, वो कॉमेडी छोड़ के। तो सना कार चलाएगी? हाँ बेटा, उनका 20 साल का करियर नहीं चल रहा है बेचारी का, कार कैसे चलाएगी? मैं समझ गया, गौरव कार चलाना सिखा रहा है। सही बात है, 25 एपिसोड से कॉमेडी तो सिखा नहीं पाया, कम से कम कार चलाना नहीं सिखाएगा। प्लीज वेलकम गौरव, सना एंड अभिलाष। हेलो
कुछ भी हो जाए मैं अपने हक की बात करके जाऊंगा। हमारे साथ वालों को कॉमेडियन बना दिया। आप क्या हंस रही हैं? आप भी हमारे में ही आती हैं। रानी, आज के बाद लाइव में आप किसी को फ्लाइंग किस नहीं करें। तो क्या डायरेक्ट कर ली? ठीक। हेलो। हाँ नहीं, वो तो हिट हो गई है ना। हाँ, दूसरी बायोपिक बना रहे हैं, संजय दत्त को हीरो ले रहे हैं उसमें। नहीं, अर्चना पूरन सिंह की बायोपिक है ना। ये तेरा बाप? अरे ये तो कल्लू हलवाई है। साले से ढंग से जलेबी बनी नहीं, तुझे माँ कैसे बना दिया? मना सईद। मना नहीं साना। जितना इंडस्ट्री में तेरे को लोगों ने मना किया, तेरा नाम मना सईद ही होना चाहिए। कार सीख लो। अर्चना जी, आपको बोल रहा हूँ, कार सीख लो। सीजन खत्म हो रहा, घर नहीं चलाना आपको। जोरदार तालियां नेहा टक्कर के लिए। मुझे पता है कक्कर है, लेकिन इनके टक्कर का कोई सिंगर नहीं है। जोरदार तालियां। वैसे सीजन एंड हो रहा है, बलराज अब क्या करेगा बता? अदिति, एक काम कर, तेरा शो चल रहा है ना, इसको अपना बॉय रख ले। नहीं, जिसका मुंह पतीले जैसा, चाय कितनी अच्छी बनाएगा। मेरी तरह मत ध्यान दो भैया, मेरी बात हो चुकी है। सोहेल जी ने मुझे 8 फिल्में में काम दिया है। खुद के पास एक नहीं है। ये है मेरी गाड़ी, मैं सिखा रहा हूँ, ड्राइविंग स्कूल है मेरा। आज देखते कौन आता सीखने के लिए। कौन है? मैडम क्या बात है, आप मेरे बुआ के गाने पे आई हैं। ये आपकी बुआ ने गाया था? नहीं, इस गाने में जो वो मेरी बुआ ने गाया था। वाओ, ये क्या है, ग्रैंड फिनाले? नहीं मैडम, जहाँ आप गलती से आके उधर मत ध्यान दीजिए। इधर देखिए मैडम, ये गलती से। ये देखिए मैडम, क्या लिखा है? सॉरी मैडम, एक घंटे में सिखा सकता हूँ। लेकिन भैया, मैं एक घंटे में ड्राइविंग कैसे सीखूंगी? अरे मैडम, मैं हूँ, आइए बैठिए बैठिए, आइए बैठिए। हाँ, लीजिए मैडम। ओके मैडम, देखिए हमारा बहुत अच्छा नहीं है, आप बताइए। मैं मंडे टू फ्राइडे सिखा पाऊंगा मैं? सैटरडे संडे क्यों नहीं? अरे मैडम, सैटरडे संडे ना हमारे गाड़ी का इंजन है ना, वो कॉमेडी सर्कस में स्टैंड अप करता है। मैडम, आप फिल्म स्टार की बेटी हैं? नहीं। थोड़ा स्ट्रगल करो, आते ब्रेक थोड़ी मिलेगा। मजा आ गया मैडम। ये क्या चल रहा है ये? ए भिखारी, दिखता नहीं है, मैं गाड़ी चलाना सीख रही हूँ। भाग 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 भिखारी। मैं भिखारी नहीं, मैं ओनर हूँ, भिखारी वो है। डर कपड़ा। सॉरी सर, सॉरी सर, माय फॉल्ट। मुझे भिखारी मत बोलना, आपको पता है मैं आज भिखारी बना तो आपकी वजह से अर्चना जी, सच्ची में। हाँ सही बता रहा हूँ मैं, पहले मैं नॉर्मल चलता था तो बोलती ऐसे तरस नहीं आएगा, मेरी तरह चलो फिर तरस आएगा। 20 रुपए। यार ये जो है, शर्ट पहन के पूरा ढीला ढीला कर दिया। नहीं, शर्ट तो ठीक है, लेकिन शक्ल का क्या करोगे? शक्ल तो ठीक नहीं तो शक्ल तो ठीक है आपका, क्या दिक्कत है शक्ल? ए चलो ड्राइविंग सिखाओ। रिस्पेक्ट। ओके प्लीज मुझे ड्राइविंग सिखाओ ना। वैसे मैडम आप करती क्या है? ओह, आई एम अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल। आई आई ये सब चलता रहेगा मैडम, करती क्या है ये बताइए। बकवास बंद करो और ये बताओ कि पर मंथ फीस क्या लोगे? नहीं, हमारा पर मंथ नहीं होता, हमारा पर राइट टर्न फीस होता है। ये क्या होता है? मैं बताता हूँ, बैठी बैठी आई आई है। ओके 200 रुपया कम हो गया है मैडम।
ये क्या बकवास है? नहीं बकवास नहीं है मैडम, ये तो 200 रुपया कम हुआ है। यूटर्न पूरा ले लेंगे तो फीस महीने भर कम आता है। ले ले। अभी मैडम ऐसा है जल्दी जल्दी सीख लेते हैं क्योंकि एक और एंट्री होने वाली है। चलो बताओ कौन सी कार खानी है मुझे? कौन सी कार सिखाओगे मुझे? ए दीदी आपके पास तो ड्राइवर ड्राइवर होगा यार। अब नहीं रहा। मतलब? अरे वो छुट्टी पे चला गया। अरे तो दूसरा रख लो यार, ड्राइवर का कमी है कोई? अरे वो कमी ना अपनी गाड़ी लेके चला गया, कैसे रख लूं मैं? अपनी गाड़ी। दीदी उसने आपको ड्राइवर रखा हुआ था। ऐसा कुछ था, चल कभी ने कौन सी। चलो भाई गाड़ी सिखाना है इनको। हाँ। आइए। नहीं 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 आप ना प्लीज मुझे गाड़ी पहले चलाना सिखाओ। मुझे गाड़ी सिखाओ? नहीं 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 मुझे इससे क्या जरूरत है? मैडम आप नहीं समझोगे, जो एक्टर लोग होते हैं ना हाँ। उनको शौक होता है गाड़ी सीखने का। शौक होता है, सच बता रही हूँ मैं। हाँ। शौक, दौलत, शोहरत, टैलेंट, स्टारडम सब खत्म हो चुका है प्लीज। मुझे गाड़ी सिखा लो प्लीज। सच में मुझे गाड़ी सिखा लो। ये देखो सच में मुझे गाड़ी सिखा लो। नहीं आई एम नॉट थर्स्टी, थैंक यू वेरी मच। नहीं ये मेरे आंसू है। जब से सुना शो बंद हो रहा फूट फूट कर रहा हूँ। मैडम आप टीवी में बहुत सही लगते हो। थैंक यू। नहीं क्योंकि टीवी में वॉल्यूम कम कर सकते हैं वरना यहाँ। चलो मुझे कार सिखाओ। हाँ चलिए सिखा देंगे। एक तो यार इस तरफ हो जा, पहले घुस जाए अंदर। अरे यार इस सामने से टकरा रही है, ब्रेक मारो ब्रेक। टकरा रही है। इससे क्या होगा? इससे ट्रक नहीं रुकेगी। अरे रात बिरात इससे प्रेत आत्माएं रुक जाती है, ट्रक क्या चीज है यार। एक मिनट फोन आ रहा है, परवीन का फोन है। एक मिनट, हेलो हाँ परवीन, क्या नौकर छुट्टी पे गया है? एक मिनट अभी जुगाड़ करती हूँ। ओह माय गॉड, यू नो मोबाइल एंड सिद्धार्थ आप बहुत अच्छा करते हो, माइंड ब्लोइंग, स्पेशली आज के दिन। आई वांट टू टेक यू होम। मैडम दो मिनट और, इसके बाद इन्हें सिखानी होगी गाड़ी। ओके ठीक है। मैडम सुहेल खान के बाजू में बैठती है, उसका मतलब ये नहीं कहीं भी सो जाए। You know what? आप जब सब लोग करते हो, you know, आप जब आते हो सना, you very irritating and अविनाश। आप क्यों आते हो मेरे भाई, क्यों आते हो? मैं हर बार सुहेल मेरे भाई, मैं हर बार पकड़ा था मेरे भाई। you know? अब जा रहा हूँ मेरे भाई, वो अर्चना को ना विक भी वापस करनी है, कब तक उसके विक से गाड़ी साफ करूंगा मेरे भाई। चलो भाई मैं चलता हूँ मेरे भाई, चलो। How can I not give a standing ovation to Sohail and me both? Thank you so much, man. Thank you so much. एक घंटा, अगर ये एक्ट एक घंटा भी चलता तो भी हमें बहुत अच्छा लगता। टेल एंड में ग्रैंड फिनाले, व्हाट एन एक्ट, एंजॉयड इट, एंजॉय, शॉर्ट स्वीट सिंपल, सिंपलिसिटी ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑल थ्री ऑफ यू वर सुपर्ब, सिंपल एक्ट था बट आप तीनों ने इतना कमाल किया, इतना अच्छा लगा, सो इट्स सुपर्ब। अच्छा पता है मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि अभी जो एक्ट होने वाला है ना उसकी नैया डूबने वाली है। क्योंकि इस एक्ट में ओजस्वी क्रूज चला रही है, पहला ऐसा एक्ट है जिसके एक्ट में नैया डूबेगी। लेकिन ये डूबती हुई नैया देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है, सो प्लीज वेलकम पारितोष, ओजस्वी एंड अनीता। चल भाई मैं शराबी बना हूँ लेकिन मैं अंडर प्ले कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि फिजिकल भी मैं करूंगा तो सिद्धार्थ सागर क्या करेगा। ये चीज मैंने बलराज से सीखी है। अच्छा। वो कभी फिजिकल नहीं करता, अगर इसको फिजिकल करना आता तो 44 साल तक कुंवारा थोड़ी रहता। Who can you be?
अनीता हसन अंगानी एट प्रेजेंट तीन तीन शो कर रही हूँ. तीन तीन शो कर रही हूँ, कोई एक करो लेकिन ढंग का तो करो. नील जी कभी आइए ना भाई के साथ हमारी गली. भाई के साथ भाभी घर ना लेके गए तो नाम बदल दीजिएगा. एक मिनट, चलते एक्ट में ऑडियंस कहाँ से आ गई? तमीज से, मैं तुम्हारी तीसरी पार्टनर हूँ. हाय हाय. छी छी. देखो ऐसे मत करो, वैसे भी मुझे स्टेज वाली कॉमेडी नहीं आती. सुनो, जो चीज शकल पे लिखी है उसको बोलने की क्या जरूरत है? तो पहले ही कहा था, स्क्रिप्ट नहीं, फिल्म में स्टार चलाते हैं. ये बात कौन कह रहा है जो ना जिंदगी में कभी स्टार बन सकती है और ना ही जिसको हम लोग कभी स्क्रिप्ट देते हैं. सही तो कह रही है, शो हम जैसे स्टार्स की वजह से चलता है. खुद को स्टार कौन कह रहा है सोहेल भाई? जिसके घर में आजकल दूध भी सांप की वजह से आ रहे हैं. इतना हमने सीख लिया है, बस इसमें लड़की डलवाना बाकी है. लड़की डलवाना. लड़की से याद आया, यार खड़ी थी तो दिख रही थी, बैठ गई तो दिख नहीं रही है. इससे छोटी कुछ नहीं होती है, इससे छोटी बस नेताओं की सोच होती है. वैसे हे 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 भगवान, कैसे कैसे लोग दिख रहे हैं मुझे. समझ में नहीं आ रहा मैं क्रूज में जाने वाला हूँ या सांता क्रूज में. मैं इनको पहले बोल रहा था सना जी कि मेरे मुंह पे टाइटेनिक का सेटअप नहीं जाता है, ट्रेन कर दो. पर इन्होंने जहाज ला दिया. मैंने कहा पानी कहाँ से लाओगे? तो बोले एक समोसा लेना, अर्चना के सामने रखना, मुंह में इतना पानी आएगा 10 टाइटेनिक डूब जाएंगे. मैं विदाउट टिकट आया क्योंकि मैं अपने वहां यूपी में इधर ट्रेन में विदाउट टिकट चलता हूँ. उसमें क्या है, मजा अलग है और पकड़ जाओ तो सजा अलग है. दो चक्कू लगाते हैं, यहाँ एक यहाँ. कहते हैं खाना खाओगे? हाँ कहो तो भी मरोगे, ना कहो तो भी मरोगे. पर हम नहीं मरेंगे, हमें अगर मरना होगा तो राजकुमारी पे मरेंगे. अर्चना सोहेल, हमारी टाइटैनिक क्या मड जेटी से गुजर रही है? सुनो मैडम, क्या नाम है आपका? रोज. नहीं, कब कब प्यार करोगे ये नहीं पूछा, नाम बताओ. अर्चना. Oh my God, अर्चना कहाँ से बीच में आ गई? इन्होंने बोला है वेल का प्रॉप नहीं है, बीच बीच में देखते रहना. टाइटैनिक का फील आता रहेगा. अच्छा सुनो, कहाँ जा रही हो? I'm on a world tour. World tour? कहाँ कहाँ घूमोगी? हैदराबाद, भोपाल, कानपुर. सुनो मैडम, उसको वर्ल्ड टूर नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं पापा रेलवे में है, फ्री का पास मिला हुआ है. जहाँ तुम हाँ कह दो वहाँ चले जाएंगे. मतलब हम पहली बार चले हैं ना, हमको पानी से डर लगता है. पानी से हमको इतना डर लगता है, हमारी दादी मरते वक्त पानी पानी चिल्ला रही थी, हम कान में उंगली डाल दिए. हमने कहा हमसे नहीं सुना जाएगा. पानी से हमको इतनी एलर्जी है, हम कूलर में भी पानी के बदले दारू डालते हैं. जब हवा चलती है ना, पूरा शहर नशे में रहता है. गोरखपुर में एम्स्टर्डम की फीलिंग आती है हमको. वैसे मैडम, हम भी राजकुमार हैं. जहाँ जहाँ तक नजर आएगी हर चीज हमारी है. अगर आपकी नजर करिश्मा तक गई तो क्या करिश्मा भी आपकी? मैडम जो अपने पार्टनर की नहीं हुई वो हमारी क्या होगी? वैसे आप इतनी अच्छी बातें करते हो. I like you. I think I'm ready. तुम ही मेरे राजकुमार हो. यार सिर्फ सुना था, कसम से अंग्रेज बहुत फास्ट होते हैं. इंडियन से ज्यादा फास्ट नहीं होते, इंडियन फिल्मों में तो फूल टकराते और बच्चे हो जाते हैं. मैडम आपको ये सब चीजें पता है? थोड़ी थोड़ी. तो चलिए पूरा जानते हैं. मैडम आप मेरे घर चलिए, मैं आपकी पेंटिंग बनाता हूँ. Really? आप पेंटर हैं? मैंने बहुत लोगों की पेंटिंग बनाई है, दिखाएं आपको. Yes, yes, please, अपना please, दिखाते हैं. ये देखिए बलराज की पेंटिंग बनाई है. One minute, show me. ये देखिए. लेकिन ये तो दिव्यांश है ना? पहले गुरु की बनाते हैं, जिसने कॉमेडी सिखाई है. इसने कॉमेडी सिखाई है मुझको, क्योंकि इसको कोई नहीं सिखा सकता है. मैडम एक बार मैंने मुबीन की भी पेंटिंग बनाई थी, लेकिन उसको बहुत मार पड़ी. क्यों? मैंने पुलिस स्टेशन बनाई थी ना, पुलिस ने कहा क्या करते हुए देखा, हमने चोरी करते हुए पेंटिंग बना दी, वो मार खाया. Oh, no.
जल्लाद कैसी हो? जल्लाद? जल्लाद मैं क्यों? तेरी वजह से कितने चुटकुले मरे हैं मेरे, कितने गए खराब हुए हैं मेरे, कितने पंचेज की हत्या हुई है, तो तू जल्लाद ही हुई ना। सुनो, ऐसे टीटी कहाँ होते हैं बे? अबे ओ, गरीब रथ पे घूमने वाली भिखारी। अच्छा अगर ये नहीं किया होता तो शायद लाफ्टर आता। इसके भी कर देती। एक मिनट। गरीब रथ पे घूमने वाले भिखारी तो फिर टैलेंट में प्रॉब्लम है। ये टाइटैनिक है और मैं कैप्टन हूँ। एक्सक्यूज मी, माना कि आपका फेस कट विराट कोहली की तरह है, इसका मतलब ये नहीं आप कैप्टन हो गए। मैं इस जहाज की कैप्टन हूँ। चलो चलो, टिकट निकालो। मैडम टिकट नहीं है मेरे पास, मैं विदाउट टिकट आया हूँ। तुम्हारे पास टिकट नहीं है, तुम्हें उतरना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, मैं जहाज साइड लगा लेती हूँ, कोई आइलैंड आएगा ना वहाँ उतर जाना। दादा एटीट्यूड मत दिखाओ। टिकट नहीं है तो क्या हुआ, जहाज खरीदेंगे हम। ये लो चेकबुक और जलेबी वाले से भरवा लेना। जलेबी वाले से क्यों बट? व्हाई जलेबी वाला? जलेबी वाला सबसे ज्यादा जीरो भरता है ना ऐसे फटाफट। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आई लव यू टू। अरे तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं तुमसे ही ये कहने वाली हूँ? मैडम एक्ट में सिर्फ 3 लोग हैं। इसने 26 एपिसोड में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आप इसको आई लव यू कहें। इसका तो पति एक एक करके सारी प्रॉपर्टी बेच रहा है कि अगर अलग हो गए तो कुछ देना ना पड़े इसको। अरे वो देखो, वो देखो, एक बड़ी सी बर्फ की चट्टान आ गई है। hey, खबरदार ऐसे उसको चट्टान बोला तो। छोटी वाली चट्टान की बात कर रही हूँ, देखो। ओहो ये है। एक मिनट। ये क्या कर रहे हो? मैडम दारू है, आइसबर्ग है, अंदर रस पीने को मिला है ना। अरे क्या कर रहे हो? हम लोग मरने वाले हैं। हम मरने वाले हैं? सच्ची मरने वाले हैं? हम मरने वाले हैं और मरने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बोलो, पंच हो तो बोला, नहीं तो चुप रहना। बोलो बोलो। पंच का तो पता नहीं, लेकिन मैं रानी नहीं हूँ। वो मेरा दादाजी मर गया था तो जो उनकी मैयत में चंदा इकट्ठा की थी उसे यहाँ आ गई किसी अमीर को फंसाने। मैडम सेम पिंच, बस दादा के जगह पे दादी कर दो। मैडम मतलब मैं तो इनसे बहुत ज्यादा गरीब हूँ। मैडम हम इतने गरीब हैं, हमारे मोबाइल में फ्लाइट मोड नहीं है, सिर्फ रिक्शा मोड है। मतलब मैडम हम लोग तो इतने गरीब हैं, नॉनवेज के नाम पे बस नाखून चबाते हैं। मैडम हम इतने ज्यादा गरीब हैं, हमारे पास घर नहीं है, सिर्फ हमने जमीन ली है, ऊपर शीशा लगवाया है ताकि छत की फीलिंग आए। और मैडम हर दूसरे दिन अपने भाई से झगड़ा करते हैं ताकि हमारे बीच में दीवार उठ जाए, कम से कम एक रूम तो हो जाए। मैडम हमारे पास पंखा भी नहीं है, अगर हमें हवा लेनी होती है तो हम 20वें माले से छलांग लगाते हैं कि कम से कम 2 मिनट तो हवा आ जाए। और मौत हो जाती है तो कब्र का खर्चा बचता है, ऐसे धप करके आदमी धंस जाता है। फिर क्या करता है आदमी, उसमें ऐसे मिट्टी डाल देता है और हम 20 रुपए का गुलाब रख देते हैं। पर मौत 20 रुपए का खर्चा है। 40 रुपया खर्चा करने को तैयार हूँ, तू कब मरेगी बता। मैं दिल का राजकुमार हूँ, क्योंकि मुझे पता है पंच नहीं फूटेगा, फिर भी इन दोनों को देता आ रहा हूँ इतने एपिसोड से। सुनो तुम दोनों ने एक दूसरे को सच बता दिया क्या? हाँ। बता दिया क्यों? क्योंकि मैंने तो चट्टान से बचा के निकाल लिया है, अब जहाज नहीं डूबेगा। जहाज का तो पता नहीं, तुम दोनों डूबने वाले हो क्योंकि मेरे पास सुपर डांसर है। तुम लोग कर से अपने ऑडिशन में नॉट फिट, सुनो सुनो छपा। ओजस्वी एंड अनीता, आप दोनों की इस सीजन में जो जर्नी रही है, आई एम श्योर आप दोनों ने बहुत इंजॉय किया है, लेकिन हमने आपको देखकर बहुत इंजॉय किया है। थैंक यू। थोड़ा ये तो एक्ट उड़ रहा था। वाह, यू गाइस वर फैबुलस यार। ऐसा टैलेंट जो है हमारे पास, वी जस्ट विश इट कम्स बैक एज सून एज पॉसिबल। आई डोंट नो दिस पीपल नो दैट ये शो इज कमिंग टू इज फाइनल एंड एंड होपफुली एक और सीजन होगा। लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ दिल से दुआ निकलती है लोगों की कि यार हम जब अपने फैमिली के साथ बैठते रात को और हम जब कॉमेडी सर्कस को देखते हंसते, तो दिस इज व्हाट कॉमेडी सर्कस डज, वो फैमिलीज को घरों को जोड़ता है, उनको रात को अपने दिन के काम से उनको आके हंसाता है। सो दैट्स द ब्लेसिंग्स दैट यू ऑल हैव। आपका एक्ट देख के पता चलता है कि ये फिनाले का एक्ट है। इतना माइंड ब्लोइंग, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर द एंटरटेनमेंट। थैंक यू। इस सीजन में एक ऐसा बंदा है जिस पर लाखों पंचेस पड़े,
अरे मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मेरे अलावा भी एक बंदा है यहाँ पर, इस सोफे पर बैठे ना हर बंदे ने उस पर इतने पंचेज मारे हैं। हाँ आज आखिरी दिन है, सबसे बदला लेने आ रहा है वो। सो प्लीज वेलकम माई छुटकू स्वीट हार्ट दिव्यांश। हेलो अर्चना जी। हेलो सोहेल सर, आज कॉमेडी सर्कस का फिनाले है, आपने और इन सारे कंटेस्टेंट्स ने बहुत मस्ती की है ना, लेकिन मैंने नहीं की क्योंकि मैंने कॉमेडी की है ना। अब कोई एक तो होना चाहिए जो पूरे शो को संभाले है ना। आपको पता इस बार का कॉमेडी सर्कस अपने टाइटल को जस्टिफाई करता है, देखो कॉमेडी सर्कस। हर तरह के जानवर भरे पड़े हैं यहाँ पे। अब जरा आप बलराज भैया का मुंह देखिए, थोड़ा मुश्किल है लेकिन कोशिश करिए, देखिए। आपको पता है ये बंदा चुपचाप बैठा हो ना, ऐसा लगता है किसी जानवर को चिढ़ा रहा है। और सिद्धार्थ भैया कैसे हैं? एकदम वाह है ना? यार ये बंदा कितना फिजिकल करता है, कोई इसे बताओ ये कॉमेडी सर्कस है, जंबो सर्कस नहीं। और अपने गौरव भैया, इन्होंने अपनी लाइफ में इतना बार बच्चन साहब किया है, जबकि बच्चन साहब ने भी अपनी लाइफ में इतना बार बच्चन नहीं किया हुआ। जब बच्चन साहब ने इनका एक बार एक्ट देखा, उनका हाथ ऐसे रहता है ना, इनका एक्ट देख के ऐसे चला गया था ये। और अपने पारितोष भैया, ये मेरे पास आए, कहते हैं बेटा अपने टीम में तू सबसे अच्छा करता है, तेरे से अच्छा कोई नहीं करता, तू ही तो संभालता है उन दोनों को। मैंने कहा भैया मुझे सब पता है, आप अपनी टीम तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। अब भाई मैं दूसरी टीम में चले जाऊंगा, मैं तो वहां भी हिट हो जाऊंगा, इन दोनों को क्या होगा। और यहाँ पे एक अंग्रेज एंकर होती थी ना, जो है ना, अरे यार सब कोई कहते हैं कि अंग्रेजों ने हम पर 400 साल राज किया, मुझे एकदम झूठ लगता है, ये तो 3 एपिसोड टिक पाई। आपको पता है मैंने प्रोड्यूसर से पूछा, सर आपने उसको निकाल क्यों दिया, कहते बेटा हम सिर्फ टैलेंटेड लोगों को शो में रखते हैं। और फिर मैंने करिश्मा और ओजस्वी दीदी की तरफ देखा, कुछ तो गलत बोल रहा था वो प्रोड्यूसर। अर्चना जी आप सोच रहे होंगे इतना देर से मैं स्टैंड अप कर रहा हूँ, मैंने आप पर पंच क्यों नहीं मारा है ना। अब देखो आप पर 4 पंच बनाना बच्चों का खेल है, और मैं बच्चे वाली कॉमेडी नहीं करता। लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ बलराज भैया की वजह से हूँ, क्योंकि अगर वो इतना गंदा नहीं करते तो मेरा टैलेंट निखर के ऊपर कहाँ से आता है ना। और अभिलाष भैया आपने क्या बोला था? हाँ नहीं इन्होंने कुछ नहीं बोला था, क्योंकि अगर ये बोल देते तो शो में कैसे रुकते। अर्चना मैम, सोहेल सर, आज फिनाले है, मैं आप लोगों को बहुत मिस करूंगा टीवी पर, क्योंकि मैं तो आता रहूंगा। नहीं यार ऐसा नहीं यार, मतलब आप लोग फिल्मों में आते, टीवी पे कहाँ से आएंगे। देखा पारितोष, तुमसे बड़ा हम कवर करते हैं। खैर आज कॉमेडी सर्कस का फिनाले है, सोनी वालों ने मुझे कहा कि अगला सीजन भी तुम करना, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा अब यार मैं चाहे जितना बड़ा स्टार बन जाऊं अर्चना जी की तरह हंस नहीं पाऊंगा। आप जज के लिए साइन कर रहे थे मुझे, और मैंने कहा वैसे भी जिनके संग काम करता हूं उन्हें जज करूंगा अच्छा थोड़ी लगता है ना। खैर मैंने आपके बारे में बहुत बोला, और आपको अगर कुछ भी बुरा लगा हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरे पास 12 फिल्में, 5-6 टीवी शोज और 15 एड पड़े हैं, तो देख लो किसको हाथ जोड़ना चाहिए। अगर कॉमेडी से ज्यादा मुश्किल कोई चीज है वो है कॉमेडी में स्टैंड अप करना। आप हम सब में से यू आर द tallest one standing on this manch, Divyansh. Fabulous. अर्चना जी मैं अवार्ड बॉय बना हूँ, प्रोडक्शन वालों को बोला था अवार्ड बॉय के कपड़े, उन्होंने मुंह के खिलाफ पिंक कपड़े पहना दिए। ऐसा नहीं लग रहा कि गुलाब किसी कीचड़ में गिरा हुआ? नहीं नहीं नहीं, ये तो हुई मेरी बेइज्जती। अब इसकी करते हैं, डॉक्टर ने इसको जवाब दे दिया, बहुत सवाल कर रहा था वो भी वर्ड प्ले में, बोला कहीं और जाके मरो। नेहा जी जब तक एम्बुलेंस में था आप ही का नाम ले रहा था,
हमने सायरन बंद कर दिया क्योंकि ले भी ऐसा रहा था नेहा नेहा नेहा। नेहा जी आपने तो सुना ही होगा कि जब दवा काम ना करे तो दुआ काम करती है जी। एक बार इस गरीब का नाम ले लीजिए बबलू। हाय नेहा। हाय बार बार बोलता हूँ ऐसे स्माइल मत दो नहीं तो मेरे कॉज ऑफ डेथ में तुम्हारी मुस्कान लिखी जाएगी। हम जो है अर्चना जी हम गरीब लोग हैं हमारे पास ना बंगला होता है ना गाड़ी होती है ना बैंक बैलेंस होता है सिर्फ माँ होती है और अगर बाप बदतमीज निकले तो दो तीन माँ होती है। वैसे नेहा मेरे को सुबह से ही लग रहा था ठंडा लग रहा था फिर मैंने चेक कराया तो बीमार निकला। नहीं नहीं आज ना सोहेल भाई सुबह सुबह मेरे पे पंखा गिरा टूट के नॉन हूँ थोड़ा फैन फॉलिंग चल रहा है मेरा आज के। मेरे पे ना पंखा टूट के गिरा तो मैं समझ गया ऊपर वाला आज छप्पड़ फाड़ के देने वाला है। टोनी साहब आपके सगे भाई हैं जी बिल्कुल। अर्ज किया है होठों पे लेके मुस्कान दिल में शहनाई लेके आई है वाह वाह लगता है रिश्तों की बात होगी साथ में भाई लेके आई है। मैंने जब पहली बार नेहा जी को देखा ना तो मेरे दिल में घंटी बजने लगी जैसे वो हाथी के वहां पे जो तुम लोग जोक नहीं तुम लोग इंटरेस्ट देखो सालो कितना ज्यादा है। तो सेल भाई आपको लग रहा है कि मैं डायरेक्ट फोकस हूँ आपकी कम बात कर रहा हूँ ना। हाँ बड़े आदमी हैं सही सोच रहे होंगे। जब मैंने पहली बार देखा ना मेरे दिल में घंटी बज गई सिर्फ इसलिए नहीं कि आप क्यूट हैं सुंदर हैं मेरे को मेरे बाप ने बचपन में घंटी चला के मारी थी वो यहीं आके अटक गई है। जब जब मेरी धड़कन तेज होती है ना टन 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 बजने लगता है हमको डर लगता है हमारी छुट्टी ना हो जाए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि मैं अंदर से म्यूजिकल हूँ पूरा मतलब गहरा नाता है। अच्छा मैं इतनी आशिकी पता है क्यों करता हूँ ब्लड में प्रॉब्लम है ब्लड में मेरे खून में आशिकी है आशिकी मेरे घर में सब आशिक हैं। आशिकी का तो मेरे खानदान का ऐसा वास्ता है सबको अलग अलग चीजों से प्यार था मतलब मेरे एक ताऊ थे उनको एक किसी शादीशुदा औरत से प्यार था। ओह गुड लॉर्ड बुरा लगा ना मिस्ड। वो ना ऐसे ताड़ते रहते थे बारिश में गर्मी में धूप में ताड़ते रहते थे। एक दिन पति ने देख लिया बस उस दिन से ब्लाइंड डेट पे जाते हैं वो। अब इस परिवार से मैं हूं नेहा तो मैं हार तो मानूंगा नहीं मैं हार तो पहना के मानूंगा। सोनी टेलीविजन पे पहली बार एक्चुअली दूसरी बार एक बार मैं नाकाम हो चुका हूँ। याद है ना हमारे मोहब्बत की घटा उन पे इस कदर छाई है हम एक बार आइडल में गए थे वो सर्कस में दो दो बार आई है। आपके लिए कुछ मैं कुछ चीजें लेके आया हूँ क्योंकि वर्बल से नहीं हो रहा अपना पूरा प्रैक्टिकल चाहिए थोड़ा। अच्छा। तो आप प्लीज यहाँ पे मैं लेने जाता हूँ मेरे घर की बॉस बनेंगी बॉस इज ऑलवेज राइट। अरे रे 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 कोई शो जज क्यों नहीं कर लेती हम जीत जाते इतना रिस्पॉन्स तो घर वालों ने नहीं दिया कभी। सो नेहा आज से मेरा जो कुछ भी है वो सब आपका है मेरा घर जमीन सब कुछ सब आपका है सब मैं एक एक करके आपके नाम करता हूँ मैं सब लेके आया हूँ। सबसे पहले आप आंख बंद कीजिए मेरे दो घर हैं सबके सामने दोनों घर के पेपर्स मैं आपको देता हूँ प्लीज ये दोनों घर के पेपर मेरे बाप ने पढ़ा भी नहीं था मैं छीन के लाया हूँ मुंह में से ये रख देता हूँ और मेरी मम्मी ने कहा है बहू से पहली बार मिल रहे हो तो उसको शगुन का वो दे देना अपना कंगना तो ये कंगना आपके लिए। इसका हम रिटेक नहीं कर सकते हैं और अपना शादी चुकी होने वाली है तो लड़के के वहां से सुहाग का जोड़ा आता है तो मैं सुहाग का जोड़ा आपके लिए लेके आया हूँ ये सुहाग पिक्चर की दो डीवीडी है ये सुहाग का जोड़ा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये नजरों में गिरने से अच्छा है सिर्फ बाल गिरे ये मंगलसूत्र है इस पे कोई जोक नहीं है
Because my love is not a joke. Oh. It's genuine and serious. Please accept it. अरे अरे बाप रे. अच्छा चलते एक्ट में हम मर जाएं तो मेरे घर वालों कहना बहादुर था. वैसे ये जो आप जो धागा लेके आए हैं मेरे लिए बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है और जब टाइम आएगा मैं जरूर पहनूंगी. देखिए मुझे भी आपसे प्यार तो है. हाँ, और कि मैं भी आपके लिए धागा लेके आई हूँ. क्या आप भैया बनेंगे मेरे? बस खूबसूरत कपड़ों में भी कसाई होते हैं. खूबसूरत कपड़ों में भी कसाई होते हैं, आशिकी करने वाले भी भाई होते हैं. सुनिए, इसी नोट पे खत्म कर देते हैं. पाने की चाहत नहीं है, बस पाने की तड़प बरकरार रहे, और मुकम्मल हो गया तो खत्म हो जाएगा, इसलिए अधूरा अपना प्यार रहे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Big round of applause for Paritosh, everybody! Oh, oh, thank you, thank you. Hello, mummy. Mummy, judge ban gaya main. Arey, wo jo idhar comedy ka coat laga hai circus mein, wahan ka judge ban gaya main. हाँ मम्मी, मेरे को जज बन के एक बात पता चली है. ये जो आप पापा को मजाक मजाक में मारती हो ना, उसको डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं, पता है? हाँ हाँ मम्मी, हाँ ठीक है, मैं रखता हूँ. अर्चना जी, आज मैं जज बनाऊँ. जैसे बीच में आपके उन्होंने एंकर बनाया था, मेरे को जज बना दिया है. ये रहा मेरा करेक्टर. जोरदार तालियां मेरे लिए. ये आज का हमारा कॉमेडी सर्कस का जो कोट है, यानी कि ये हंसाने वाला कोर्ट, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें होने वाली. अर्चना जी, आपको पता है हमारे कोर्ट में इतने केस पेंडिंग पड़े कि हमने मना कर दिया और केस मत लिखे ना. आप सोचो कितने केस पेंडिंग होंगे. पारितोष अपने आप को स्टैंड अप कॉमेडियन बोलता है, पुलिस उसको पकड़ती नहीं है. नमस्कार देवी सज्जनो, पहले हम केस पढ़ लेते हैं जरा. ये क्या है कि ये अपना अरे घर से चटनी खा के आए थे, हाथ नहीं धुला, मजा आ गया. सर आपको एक बात बताऊं, वैसे मैं बड़ी इज्जत करता हूं काले कोट की. जहां हमने करेक्टर छोड़ा, थप्पड़ मारूंगा मैं. थप्पड़ मारेगा हमको? नो मींस नो. मेरे को आज तक एक बात नहीं समझ में आती. अभिषेक के पापा बोलते नो मींस नो, मेरे पापा बोलते लड़की की नाम में हाँ होती है. किसकी माने, उसके बाप की अपने बाप की? ओ, समय समाप्ति की घोषणा. देखिए देवी सज्जन, हम चलते हैं, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे. नमस्कार. ओ भाई साहब, जलसा की भीड़ के बाहर गुतले जाने वाले जूनियर आर्टिस्ट, क्या कर कह रहे हैं आप? केस पर क्यों नहीं आते आप? अरे तो किस किस साथ लड़े? सामने कोई वकील नहीं है, इससे लड़े और कट गए जी. बताइए क्या हुआ आपको? आइए, आपके छेद कैसे हुए? ये लड़े हम, किससे लड़े हम? सबसे सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार. नमस्कार. एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां. मैं अंडा अंडा खा लेता हूँ, नहीं खाता बोटियां. धन्यवाद, धन्यवाद. आज का जो एपिसोड है बड़ा ही खास है, क्योंकि पहली मर्तबा सुहेल खान जागते हुए नजर आएंगे. पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि सीजन खत्म हो रहा है, नींद उड़ी हुई है. मैं तो कहता हूँ आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, उसको ईएमआई की फिक्र होती है. अरे लेकिन भैया हमें कोई फिक्र नहीं है, हम तो टीवी करेंगे टा 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 टा. आप लोग अपना देखिए. ये बताइए, ये बात ये कह रहे हैं, चैनल ने साफ साफ कहा है कि गौरव नो मींस नो. कॉमेडी कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए. ये देखिए, यहाँ पे दो लोग कल से बेरोजगार हो रहे हैं, इस आदमी को केस की पड़ी हुई है. आपको तमीज नहीं है, आप तो कल से अपना छाता बेचने का काम चालू कर देंगे. बोलो क्या करेंगे? सर यहाँ पे विक्टिम को बुला सकते हैं. ये कोर्ट है, ये आपके बाप का गैराज नहीं है, ऑटो अंदर ले आए आप. अरे नहीं, वो मेरे को लगा इधर तीन चार वेले खड़े ले तो वेले पार्किंग यही होगा. ये बहुत गलत बात है, आप कोर्ट में ऑटो खड़ा कर रहे हैं.
बहुत ज्यादा गलत बात है, बहुत गलत बात जा रहा है। अरे अपना पिटलो सही बात है या पिटलो सही बात है या हम भी पार्किंग में रखेंगे भैया। ए चाचा ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। क्या ठीक नहीं कर रहे हैं? अच्छा तो कर रहे हैं। नहीं नहीं ये बहुत गलत कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ कि देखिए भैया अमिताभ बच्चन साहब के तीन स्टाइल, अमर अकबर एंथोनी, और एंथोनी भाई तेरे को कितने बार बोला दारो मत पे मत पे मत पे, लेकिन तो अपन के सुनता की तरह खाली हमारा हो गया था। तो क्या है और बच्चन साहब अपने जादूगर वाले, अरे भाई तेरे को कितने बार बोला तो अपने आपको बहुत बड़ा जादूगर समझता है क्या? मैं तेरे से भी बड़ा जादूगर हूँ। तूने अभी नींबू को संतरा बनाया, मैं संतरे को कलिंगर बना दूंगा, लेंगे क्या? और बच्चन साहब अपने अग्निपथ वाले, विजय जनरा चौहान पुराना मैं, विजय जनरा चौहान मां कराम स्वास्थ्य चौहान, उम्र 36 साल 9 महीने 8 दिन, ये 16 घंटा चालू है गायतोंडे साहब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे ए चचा अच्छा कर रहा यार। ऐसा लग रहा है कि बच्चन साहब को टॉस किया गया है, उनके 2 छुट्टे गिरे हैं। हटिए 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 हटिए। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ, आपका नाम क्या है? ऑटो खान। ऑटो खान आप अपना नाम जलसा रख लीजिए भाई को, क्योंकि बच्चन साहब आपके अंदर ज्यादा रह रहे हैं। अरे सुनो मेरे साथ बहुत गलत हुए ला है। क्या हुआ आपके साथ? एक लड़की ने मेरे को छेड़ दिया साहब। इस मुंह को किसने छेड़ा है आपको बतलाइए। अरे सुनो मेरे को ना जिसने छेड़ा उसकी पतली कमर तिरछी नजर बाली उमर है कुंभिया बा कुंभिया चो कुंभिया बा 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 कुंभिया चो। एक मिनट ये सच बोल रहा है या झूठ? ऑटो में क्या क्या हुआ था वो तो हमारा क्लाइंट ही बताएगा। क्लाइंट हाजिर हो। आप जानते नहीं हैं ये जो लड़कियां होती हैं इनके बारे में मैंने पूरा रिसर्च किया है और शोध किया है। ये 12 से लेकर 13 साल तक अपना रिलेशनशिप बनाती हैं, उसके बाद ब्रेकअप करके किसी डॉक्टर से इंजीनियर से अथवा सरकारी कर्मचारी से शादी कर लेती हैं। उसके बाद कहती हैं जानू तुम बेरोजगार हो, एक बात बताओ जानू मूवी में आओ, जानू खाने पे आओ, जानू रेस्टोरेंट में आओ, जब जानू यहीं वहीं आते रहेंगे तो जानू काम पे कब जाएंगे? तो काम पे जाएंगे नहीं। ऐसी लड़कियों को सजाए मौत दीजिए। एक मिनट वकील साहब ये आप क्या कह रहे हैं? इस लड़के को फांसी पे लटकाइए। यू प्लीज कंटिन्यू। देखा जज साहब ऐसी करके लड़कों को छेड़ती है और फिर फंसा लेती है क्या? अरे एक मिनट इधर आइए। आप मेरी मुवक्किल हो क्या? आप इसे छेड़ रही हैं? जज साहब केस पे आओ ना, सच्ची बोल रहा हूँ, ये बार बार ना ऐसा छूती है छूती है। 2 दिन तक तो मैं एंजॉय करता रहा, मुझे लगा अच्छा हुआ है, बाद में फील हुआ मेरे साथ कुछ गलत हो गया है। ये झूठ बोल रहा है। अरे हमारे मुवक्किल को फंसाना चाहता है, ये झूठ बोल रहा है। कल इसको कह रहा था तुम बहुत हॉट लगती हो, मैं बहुत कूल हूँ, हम शादी कर लेंगे तो गुनगुने बच्चे पैदा होंगे। केस पर आइए। एक मिनट, अजीब पागल आदमी हो, यहाँ कल से 2 लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं और तुमको केस की पड़ी हुई है अपना? एक सेकेंड, सोहेल जी के बारे में कुछ मत बोलो, उनके पास बहुत काम है, बहुत अच्छे अच्छे फिल्म बनाते हैं वो, समझे? मुहतरमा, सोहेल खान जी के जो तारीफों के पुल बांध रही हैं, वो उसी पुल से चलते चलते आपके घर आ जाएंगे। अरे जज साहब इसने पहले मेरी भी ऐसी तारीफ की, बाद में मेरे को ऐसा छुआ छुआ करने लगी। आपने इनकी तारीफ की? नहीं जज साहब, मैं इसके ऑटो में बैठी और ये गंदे गंदे इशारे करने लगा ऐसे ऐसे। अरे मैं किक मार के स्टार्ट कर रहा था। अच्छा अच्छा जज साहब, दूसरी बात, उसने एक हाथ ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा, फिर ऐसे ऐसे करने लगा। अरे अभी ऑटो स्टार्ट करने के बाद एक्सीलेटर भी नहीं रहेगा क्या? मैं हा 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 हा, ये मैं बहुत अच्छा करता हूँ, मैं करूंगा। ठीक है ऐसा कर लीजिए कर लीजिए। चलिए बताइए ये कौन सा सुपरस्टार है? ये तो बच्चा बच्चा बता देगा, बच्चा बच्चा बता देगा, ये अपना शत्रु है? नहीं श्रीदेवी है। मैं समझ गया किस प्रकार का ह्यूमर यहाँ चल रहा है। अब बताइए ये कौन है? अरे काना आटेकर। नहीं माधुरी दीक्षित। ये सर एक में भी ये कौन है बताओ? सनी देओल। नहीं नहीं दीपिका पादुकोण। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। बहुत अच्छा। अच्छा एक मैं भी करूँ? प्लीज। हाँ बस
अर्चना जी, अब आपको समझ में आया कि कॉमेडी शो में जज की क्या औकात होती है? आप की तरह हमें कुछ सवाल कर रहे हैं तो बतलाइए कि उस रात जब आप ऑटो चला रहे थे और आपने संजय दत्त को पिक किया था तो अपना संजय दत्त साहब ने उस रात क्या कहा? मेरे को बाबा बोले, अरे सुनना ऑटो, एक काम कर, वर्ली सीलिंग ले ले। मैं बोला बाबा ऑटो तो बड़ी मुश्किल से लिया, वर्ली सीलिंग कैसे ले लूं? क्या बात है। मैडम आप आ रही है, चलिए घर चलते हैं। इनको घर क्यों ले जा रहे हैं आप? मेरे को लाइन नहीं मिली, मैं लड़की भी ना लेके जाऊं। अरे सुनो, अरे सुनो। मैंने पहले कहा था कि कॉमेडी में स्टैंड अप बहुत मुश्किल होता है, अकेले मंच को संभालना और लोगों को हंसाना, लेकिन कॉमेडी में ये जो पांच के बीच आपने किया ना, वो भी बहुत मुश्किल है। इंडिविजुअली जो आप सब फ्लेवर्स लाए हैं अपने, वो यूनिक हैं, और जब एक साथ हमने देखे इस मंच पर करिश्मा इंक्लूडिंग यू, माइंड ब्लोइंग। अब मेरे घर में जगह तो है लेकिन इतनी जगह नहीं है, लेकिन आई वॉन्ट टू टेक ऑल ऑफ यू। कॉमेडी सर्कस को कोई भी टॉपिक दे दो, वो अपना पागलपन ले ही आते हैं। एंड परितोष, मुबीन, बलराज, करिश्मा, गौरव, एब्सोल्युटली फैबुलस मैन। टोनी और नेहा आज हमारे शो में मेहमान हैं, पहले तो जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। आप लोगों ने हमें इतने गाने दिए, इतना अच्छा आप गाते हैं, इतने सारे आपके फैंस हैं। मैंने सोचा था कि ग्रैंड फिनाले में पुरानी बात कोई नहीं करूंगा, लेकिन ये हर बार अच्छा काम करते हैं, तारीफ करनी पड़ती है, क्या कर सकते हैं। सो स्वीट। लेकिन नेहा, हम आपका शो देखते हैं, इंडियन आइडल, आई एम श्योर आप भी देखती होंगी। हमारा शो इंडियन आइडल नहीं। बिल्कुल देखती हूँ। आप हम लोगों के बारे में एक आखिरी इच्छा होती है ना, जैसे हमारी फिनाले से पहले आखिरी इच्छा है कि आप भी यहाँ पर आएं टोनी के साथ और बताएं कि आप हमको कितना प्यार करती हैं, हमारे बारे में आपके क्या नेक विचार हैं, वो हम सबसे आप यहाँ पर अगर आज साझा करें। ऑफ कोर्स, आइए जोरदार तालियां नेहा और टोनी के लिए। पता है ना आप लोगों को, मैं कॉमेडी सर्कस के फर्स्ट एपिसोड में भी आई थी। हाँ, पर हाइट कम होने की वजह से दिख नहीं पाई थी। खैर, इतना मज़ा आया मुझे अर्चना जी, सोहेल, इतना ज़्यादा मज़ा आया कि मैं इस बार फिर से आ गई और अपने टोनी भाई को साथ में लेके आई हूँ। क्या बात। जैसे टोनी भाई और मेरी जोड़ी बहुत कमाल की है, वैसे यहाँ पे गौरव और अभिलाष हैं जो बड़े कमाल के हैं, मुझे लगता है ना। क्या बात। जोड़ी दो लोगों की होती है, पर ये तो दोनों मिला के सवा एक भी नहीं बन पाते। हमेशा जब भी देखो साथ में रहते हैं, जुदा होते नहीं है, क्योंकि सना तो मुंह लगाती नहीं है, तो सारा वक्त साथ ही गुजार लेते हैं। खैर, मुझे परितोष भाई बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बहुत अमेजिंग है। ओ, परितोष त्रिपाठी, उनको कौन नहीं जानता, इंडियन आइडल, कॉमेडी सर्कस, हर जगह मेरा पीछा करते हुए आ जाते हैं। अरे वो, सुनो सुनो सुनो, लड़कों को छोड़ो, ये बताओ लड़कियों में से कौन फेवरेट है आपकी? लड़कियों में कुछ कुछ होता है में थी ना अपनी करिश्मा। करिश्मा? नहीं 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 नहीं, करिश्मा तो रागिनी एमएमएस में थी। रागिनी एमएमएस में तो अनीता थी। अरे नहीं नहीं, अरे अनीता तो कृष्णा कॉटेज में थी, पागल। कृष्णा कॉटेज में तो अदिति थी ना। बट कुछ भी कहो, मुझे ना बलराज और दिव्यांश की जोड़ी सबसे अच्छी लगती है। पता है, बलराज दिव्यांश का इतना ख्याल रखता है कि उसकी हाइट ही नहीं बढ़ने दी, नहीं तो उसके हाइट के पंचेस वेस्ट हो जाते ना यार। नेहा जी, थैंक यू हमारे शो में आने के लिए, अब मेरी छोटी हाइट से ज्यादा ये पंच आपकी हाइट पर मारेंगे। पर कमाल की बात है, इतना छोटा है तो इतना टैलेंट है, पर आई एम श्योर ये जो बड़े हैं ना, ये और भी बड़े हैं और ये कमाल के हैं। मैम, एक्चुअली चुन नहीं पाता हूँ कि इन सब में से मेरा फेवरेट कौन है, सारे ही कमाल हैं, सारे ही मेरे फेवरेट हैं। एक्चुअली आप सभी हमारे फेवरेट हो, यू गाइस आर ऑसम, थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग अस, जोरदार तालियां।